हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और मैं भी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है और मौसम की वजह से वो। तो अभी हो गई है मॉर्निंग और आज है 7th day of 21 हार्ट चैलेंज का। और मॉर्निंग है तो मैं बस फ्रेश होके आई हूँ, ब्रश वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद आज तो वॉक पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सब जानते हो कि जब मैं बच्चे को, अपने बेटे को स्कूल छोड़ने ड्रॉप करने जाती हूँ तो तभी वॉक करके आती हूँ, बट आज है 2nd October, गांधी जयंती है तो आज है छुट्टी। तो बस आज सब घर पे ही हैं तो थोड़ा लेट उठे हैं और यहाँ पर फ्रेश हो रही हूँ, और फ्रेश होने के बाद फिर आगे की रूटीन करते हैं। तो जैसे हमारा जो रूटीन का फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि अपना सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह। तो आजकल मैं मॉर्निंग ड्रिंक में सिर्फ पानी ले रही हूँ, प्लेन वाटर, खूब सारा, मतलब ये 1 लीटर की बॉटल है। कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी देर करके इसको पूरी फिनिश करने की, और उसके बाद आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में हमें फ्रूट्स लेने होते हैं जैसे स्वीकार जी ने बताया है। तो फ्रूट्स लेने के लिए मैंने भी आज फ्रूट्स थोड़े चेंज किए हैं, कुछ नए फ्रूट्स, क्योंकि मैं एक ही फ्रूट लेती हूँ बट आज मिक्स ऑफ फ्रूट्स हैं। तो आप देखिएगा कौन कौन से फ्रूट्स लिए हैं आज मैंने। मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाती तो जो भी है वो आपको अभी शो करती हूँ। पानी पीती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा सा आराम से बैठती हूँ, उसके बाद फिर उठ के और सारे काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई पूरा दिन तो काम ही करना है। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने लिए निकालना ज़रूरी होता है। तो मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ थोड़ा, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ कीवी, और कीवी मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, फिर भी अच्छा फ्रूट है। और अभी आज के टाइम पे जो वायरल वगैरह फैला है उसमें ये लेना अच्छा ज़रूरी है, और आप लोगों के पास भी अवेलेबल हो मार्केट में तो आप ले सकते हो। और इसके साथ ही मैंने लिया है पेयर, अभी मेरे पेयर ख़त्म ही नहीं हुए हैं, और पेयर के साथ मैंने सोचा पाइनएप्पल लूँगी। तो ये तीनों फ्रूट्स लूँगी, और क्वांटिटी आप जानते हो मैं कितनी लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेती। पोर्शन कंट्रोल की मुझे आदत है, चाहे मैं फ्रूट्स लूँ या कोई भी खाना खाऊँ उसमें मुझे सब कुछ चाहिए होता है, बट बहुत थोड़ा थोड़ा सा। तो पोर्शन कंट्रोल की वजह से मेरा जो वेट है वो मतलब हमेशा बहुत स्पाइक नहीं करता, मतलब एकदम से बढ़ता नहीं है, जो वेट है उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है चाहे मैं कुछ भी खा पी लूँ। तो उसका रीज़न यही है, अगर आप कोई भी चीज़ पोर्शन में खाते हो, अगर आपने कोई चीज़ हैवी खाई है, कोई चीट मील कर लिया है, तो फिर मैं उसके बाद का जो मील होता है, जो नेक्स्ट मील होता है, वो मैं स्किप करती हूँ, मेरे से खाया ही नहीं जाता। तो उस वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो वेट है वो उतना ऊपर नीचे नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं लेके बैठ गई हूँ, देखिए मेरे फ्रूट्स, और ये मैं आराम से खाऊंगी। टीवी ऑन कर लिया है, घर के थोड़े बहुत काम कर लिए थे और अभी बाकी तो पूरा दिन काम ही करना है। तो ये देखिए स्टार्ट करती हूँ, और जैसे यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा सा ना फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो तो फिर दिक्कत होती है आप लोग को देखने में। तो मैं 32 times च्यू करके ही खाती हूँ, बट वो जल्दी जल्दी इसलिए लगता है आपको क्योंकि आप फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हो, है ना, क्योंकि मैं फ़ास्ट करके इसको फिर दिखाती हूँ आपको। तो सारे फ्रूट्स बहुत आराम आराम से खाती हूँ, टाइम लेकर खाती हूँ, खाना बहुत टाइम लेके मैं खाती हूँ। 32 times च्यू करती हूँ, अच्छे से लिक्विड फॉर्म में करती हूँ तभी खाती हूँ। बट बात वही है कि थोड़ा सा वीडियो में इतना लंबा नहीं दिखा सकते, नहीं तो 15 मिनट तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के ही हो जाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे काम फिनिश करने के बाद, लंच वंच प्रिपेयर करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ फ्रेश होके, नहा धो के, और मैं ये लगा रही हूँ अपने बालों में सीरम। जैसे आपने देखा था मैंने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है हेयर पे, मतलब रिबॉन्डिंग प्लस स्मूदनिंग इस टाइप से कुछ उन्होंने केराटिन किया था, तो बाल अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते जा रहे थे और बहुत ड्राई हो रहे थे, तो मैंने ये कराया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कौन सा सीरम लगा रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप कहोगे तो इसका रिव्यू कर दूँगी इस पूरे सेट का, मतलब शैम्पू है, मास्क है, और ये हमारा सीरम है। तो मैंने वो लगा लिया है, अभी बाल वाल सुखाऊँगी और उसके बाद फिर लंच देखूँगी क्या करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह, क्योंकि लिपस्टिक मुझे पसंद है, और सेल्फ केयर में आप क्या है कि थोड़ा सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह, और कुछ मेकअप की मुझे आदत नहीं है, तो स्किन केयर थोड़ा सा करने के बाद बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती हूँ, एंड दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, हो गया है आफ्टरनून का टाइम और आपने देखा कि मैं नहाई धोई और थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर किया, ठीक है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, 5 मिनट का रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपना लंच लेके आऊँगी, रोटी बनाना है मुझे,
और जो भी है वो आपको दिखाऊंगी कि क्या लंच में खाती हूँ। और आज मेरा है सिक्स्थ डे, मतलब 21 हार्ट चैलेंज का सिक्स्थ डे है। और ये 6 दिन कैसे निकले पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम डाइट पे हैं। और आज मैंने अपना वेट चेक भी किया था, तो वेट मतलब जा रहा है, बट मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी, 21st पे ही मैं आपको शो करूंगी कि मेरा कितना वेट है। हो सका तो इंचेस भी मेज़र करके बताऊंगी। पहले मैंने जब फर्स्ट डे स्टार्ट किया था मैंने मेज़र किया था, और अभी जब 21st डे पे करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। आपका कैसा जा रहा है 20 डेज का ये हार्ड चैलेंज, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, इसलिए छोटा वीडियो बनाती हूँ, बट फिर भी बहुत से लोग नहीं देखते, तो स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो देखिए। आज मैं प्रॉपर तरीके से पूरा, आपने देखा ना, मॉर्निंग से स्टार्ट किया है मैंने, पूरा डाइट आपको बताने वाली हूँ अपना, और मैं क्या क्या करती हूँ ये भी आपको शो करूँगी, तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, मुझे जैसे मैंने बताया था मुझे फीवर सा हो रहा है, तो मैं आज चाय पीऊँगी, तो मैंने ये चाय बनाने के रख दी है। ये मैंने विदाउट शुगर बनाई है और लो फैट मिल्क में बना रही हूँ। साथ में मैं एक पराठा बना रही हूँ, ये मल्टीग्रेन रोटी है, मतलब पराठा क्या होता है, हल्का सा देसी घी लगा लेते हैं तो ये हो जाता है, और एक ही बनाया है और एक ही खाऊँगी, तो ये चाय पराठा हमारा डन है। तो ये मेरा लंच है, और सब्जी क्या साथ में लूँगी वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लंच। ये लंच में मैंने आज बनाया है सोयाबीन के कबाब, ये सीख कबाब होते हैं, बहुत ही लेस ऑयल में बनते हैं। मैंने इसको एयर फ्रायर में बनाया है, और साथ में ये पराठा, क्योंकि पराठे के साथ कॉम्बिनेशन है और अच्छा लगता है, तो देसी घी में बहुत हल्का सा देसी घी लगा के पराठा बनाया है। और पोर्शन आप देख लीजिए मेरा, मैं इतना ही पोर्शन लेती हूँ, तो पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है करना, तो इसलिए बस इतना ही। और एक कप चाय लिए, चाय अभी आ रही है। फ्रेंड्स, देखा आपने, असर की अजान हो रही थी और मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, उसके बाद मैं ही आई हूँ और अपनी सेल्फ़ी ले रही हूँ। ये मैंने नया कॉर्ड सेट लिया था, तो उसे ट्राई की में मैंने पढ़ी थी अपनी बुक जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, आपको इसका नाम और वगैरह मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँगी अगर आप बोलोगे तो। और बस उसके बाद बस हो गई थी रात, 6:30 हो गया था, मैंने ओट्स बना के खा लिए थे, क्योंकि रात में कुछ खाने का ऐसा नहीं होता है, समझ ही नहीं आता क्या करें, और मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो रहा है, तो मुझे सूप और ओट्स ये सब ठीक लग रहा है आजकल। तो ये मेरी आज की सेल्फी, मिलती हूँ कल।